जल्दी जल्दी करके अंदर आ जाओ, मेरी हेल्प करवा दो आके प्लीज। जी अच्छा। अंदर कहाँ जा रहे हो? जी लड़की, आप क्या कर रही है? अगर अमशा बीबी हैं, हमारे साथ रहती हैं, मामू जान लेकर आए थे, बहुत अच्छी हैं, हमारा ख्याल रखती हैं। अम्मी, अम्मी, हाँ, जो छोड़ दे, छोड़ दे, ये सुख छोड़ दे, आप मेरे साथ चलें, चलें, मैंने आपको एक चीज दिखानी, चलें। कहाँ चलें? अम्मी आप चलें तो सही ना, आपकी चादर कहाँ है? चादर तो यहीं पड़ी है लाउंज में तख्त के ऊपर, लेकिन बता तो दो कहाँ जाना है, ऐसे कैसे जाऊँ मैं लेके आता हूँ। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का, ऐसे ही बिना बताए कह रहे चले चले चले, कहाँ चली जाऊँ मैं इसके साथ? ये ले, जल्दी 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 पहले चले। चले, मेरी चले। बात सुनो शानी, मैं ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हारे अब्बू से पूछना होगा, उन्हें बताए बगैर चली जाऊंगी, वो नाराज होते हैं। मैं एनी को कहता हूं ना, एनी, एनी इधर आओ। जी अगर अब्बा पूछे ना अम्मी कहाँ है तो वो उनसे कहना मेरे साथ गई। मगर आप लोग जा कर हैं? अरे पता नहीं कहाँ जा रहे। शानी मेरी बात सुनो, अल्लाह खैर करे, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, कहीं किसी से लड़ाई वड़ाई तो नहीं कर ली तुमने? अम्मी मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, आप आए चले। अरे पता नहीं कहाँ लेके जा रहे, ये पागल मुझे पागल कर देगा बिल्कुल। ये ठहरो तो सही, हटो मेरे रास्ते से। मैं करीब आने की बातें कर रहा हूँ, मेरा मतलब हमारे दिल करीब आ जाएंगे ना अगर हमारी दोस्ती होगी तो। तुम मुझे हटा रही हो, ये कुछ देखो अमशा, मेरा यकीन करो स्नान से ज्यादा ऐश कराऊंगा तुम्हें। क्या हो रहा था ये? वो अलीजे ने मुझसे कहा था कि मैं रमशा को अकेडमी ड्रॉप कर दूं। मेरी गाड़ी को पता नहीं क्या हो गया, बार बार रुक रही है। अच्छा क्या तुम आ गए, तुम इसको क्यों नहीं ड्रॉप कर देते हो? मैं गाड़ी जरा मैकेनिक के पास ले जाऊं है? ठीक है मिलते हैं। वाइफ शिकायत करती है अपने हस्बैंड से, लेकिन रमशा तेरी वाइफ तो है नहीं। शट अप, जस्ट शट अप। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब। अरे मजाक कर रहा हूं यार, मैंने उससे कोई ऐसी बात नहीं कही है जो तुम इतना नाराज हो रहे हो मुझसे। मैंने उसको सिर्फ ये कहा था कि अगर उसको तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है तो उसके स्टे का बंदोबस्त मैं कर देता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारी इस बात का मकसद क्या। सबको पता चलना चाहिए ये इंसान एक हरासर है, एक मजबूर लाचार लड़की की बेबसी का फायदा उठाया है इसने, उसे हरास किया है। शर्म आ रही है मुझे तुझे आज अपना दोस्त कहते हो,
अरे तेरे जैसे घटिया इंसान को तो इस सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। शानी, कोठियां और बंगले तो देख इस इलाके में, हमारा कोई रिश्तेदार यहां कैसे रह सकता है? अब भाभी और अमशा, मुझे नहीं लगता, यकीनन तुझे कोई गलत फहमी हुई है, तूने किसी और लड़की को ना रमशा समझ लिया, सही से देखा था उसे। हाँ अमशा, मैं ही गलत बात करूंगा, मेरी किसी बात पे यकीन ना करना, गलतफहमी मुझे ही होनी। मैं पूछ के गया हूँ कि नौकरानी से पूछा था मैंने और रमशा का नाम लेके पूछा था। अब चले मान लिया कि शक्लें एक जैसी हो गई, नाम भी एक हो गए। शानी, रमशा और भाभी का कोई रिश्तेदार इतना अमीर तो नहीं है कि वो यहाँ है। आप हुई थी, अब हो सकता है यहाँ पे नौकरी कर रही हो। लेकिन शानी, तुझे ना कासिम साहब से रमशा के बारे में एक मरतबा फोन करके पूछना चाहिए। आपने खुद मुझे मना किया कि अब्बा को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब कासिम साहब को बोलूंगा तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि अब्बा को फोन कर देंगे। ये तो ठीक रहे हो, लेकिन सही बताऊं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, मैं खुद परेशान हूँ। आइए, आपको बुला रहे। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान तो घर पर नहीं है और ना ही अफनान है, तुम्हें भाईजान ने बुलाया है? नहीं। तुम वही हो ना जिसकी दुकान से हमारे राशन के पैकेट्स बनते हैं? भाईजान ने नहीं बुलाया तो यकीनन फिर तुम्हें अफनान ने ही बुलाया होगा। हमें किसी ने नहीं बुलाया, वो ये मेरी वालदा हैं। हम रमशा से मिलने के लिए आए। रमशा से?